खबर है जनपद बहराइच से। बहराइच में ननबारा में साफ सूत्रों के मांग को लेकर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। यहाँ जनपद बहराइच में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। ननबारा क्षेत्र के सादत नगर कॉलेज के पास किसानों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। साफ सूत्रों की मांग को लेकर बैठे किसान धरने पर। बहराइच संसद द्वारा राज्य प्रवक्ता राकेश टिकैत के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने को लेकर किसानों को हल्ला बोला प्रदर्शन। किसानों की मांग की है कि बहराइच सांसद द्वारा हमारे राज्य प्रवक्ता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर बहराइच के संसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। साफ सूत्रों की मांग को लेकर किसानों के द्वारा नरबारे एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ। आज हम लोग यहाँ सादत इंटर कॉलेज नागपारा में इकट्ठा हुए हैं किसान भाई, हमारे किसान संगठन के लोग, संयुक्त किसान मोर्चा का जो यहाँ पे 27 तारीख का 2021 भारत बंद का आह्वान किया गया था। हमारी मुख्य मांगे हैं ये जो तीन काले कानून किसान विरोधी, ये हमारे किसानों के लिए बहुत घातक हैं। हम किसान ये चाहते हैं कि ये तीनों काले कानून वापस दिए जाएं। एसपी पर कानून बनाया जाए और ये जो छुट्टा जानवर इनको तत्काल बनवाया जाए। किसान को सम्मानी जाए, हमारा सरकार से ही अनुरोध। ये हमारे जो सांसद हैं बहराइच महोदय, सबसे बड़े डकैत तो ये खुद हैं, ये दूसरे को डकैत किसान, हम किसानों के नेता को डकैत बताते हैं। इनसे बड़ा डकैत ये देवरिया के डकैत है, इनसे बड़ा डकैत हमारे प्रदेश में कोई नहीं। हम किसानों की ये मांगे हैं कि सबसे पहले तो इनकी संपत्ति की सीबीआई जांच करवाई जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। आज जो हमारी मुख्य मांगे तो वही है, हमारे जो एक काले कानून है, किसान विरोधी कानून है, ये वापस किए जाए और बाकी तो सात सूत्रीय मांगे हैं। एमएसपी में सुधार किया जाए और तीन काले कानून को वापस लिया जाए और गौशाला में जानवरों को व्यवस्थित कराया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।